दिल्ली सचमुच अपने आप में अद्भुत जगह है। आप लोगों ने हंसने के लिए हास्य कवियों को बुलाया, दिल्ली वालों को हंसने के लिए किसी कवि की जरूरत नहीं है। जगहों के नाम इतने अद्भुत अद्भुत आप लोगों के यहाँ पर है। वो एक लड़का दिल्ली यूनिवर्सिटी यहीं से पास में ही है, एडमिशन करवाने गया। जब फॉर्म भर के आ रहा था एडमिशन का, तो पीछे से क्लर्क दौड़ता हुआ आया, बोला बेटा आपने फॉर्म गलत भर दिया, नाम की जगह पर तुमने पता भर दिया है, क्या नाम है तुम्हारा? लड़का बोला जी विकासपुरी, जैसे ओमपुरी अमरीशपुरी। नाम है पता थोड़ी है। बोले अच्छा पिताजी का क्या नाम है? बोला जी जनकपुरी। माताजी का क्या नाम है? बोला जी मायापुरी। घर में और भी कोई है? जी छोटा भाई चाणक्यपुरी। साथ में कोई आया है? जी बड़ा भाई गोविंदपुरी। तो क्लर्क ने हाथ ही जोड़ लिया, बोले बेटा आपका एडमिशन तो जहांगीरपुरी में ही हो सकता है। तो दिल्ली में तो अद्भुत ही हास्य है। मैं बिल्कुल सच बता रहा हूं, मैं जब आज आ रहा था कार्यक्रम के लिए तो मैंने आईटीओ के पास देखा, मैंने देखा दो आदमी आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे। मैं उनके पास गया, मैंने समझाया, तब मारपीट हुई। उससे पहले खाली गाली गलौज से काम चला रहे थे। पवार जी बता रहे थे तेरे साथ हुई क्या? जी मैं सच बता रहा हूं आपको, वो एक दूसरे को बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगे। मैंने फिर समझाया तो अच्छी तरह से पीटा। बोले बुरी तरह से क्या पीटना होता है, लेकिन मैं सच बता रहा हूं, जितना बढ़िया आप लोग कवि सम्मेलन सुन रहे हैं, जितने बढ़िया आप लोग हैं, मैं तो आप लोगों को चार लाइनें सुनाता हूं। मैं देखिए किसी पार्टी पक्ष पर नहीं सुनाता हूं, टीवी पर भले ही आता हूं, सभी पार्टियों को थोड़ा थोड़ा आजकल लपेटे में लेने का ट्रेंड है, तो कोशिश करूंगा कि सब पर कुछ ना कुछ अच्छा अच्छा सुना दूं, क्योंकि यहाँ पे आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष हमारे बीच में बैठे हैं, उनकी गरिमा में उपस्थिति होती है। बहुत अच्छा, आज से नहीं उनसे हमारा बहुत सालों से परिचय है, और कवि सम्मेलन को लेकर के वो हमेशा से ही उनके मन में बड़ा भाव रहा है। आदरणीय मुकीम मैम बैठी हैं, उन्हें भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उनसे भी हम लोगों का बड़ा पुराना परिचय है। श्यामलाल जी आपको विशेष नमन करता हूँ। अभी जब मैं यहाँ बैठा था तो इन्होंने मुझे वादा किया कि 12 तारीख को दिल्ली विधानसभा में आपको काव्य पाठ के लिए आना है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि नेताओं की बातों का कोई भरोसा होता नहीं, उनके साथ रहने वाले कल को अपना वादा भूल जाए, इसलिए सीधे सीधे यहाँ से कह दो ताकि पब्लिक को भी याद रहे, कवियों को भी याद रहे, इनके ऊपर एक मॉरल प्रेशर बना रहे कि नहीं भैया इस बिहारी को बुलाना है। तो देखो बिहार के आदमी सचमुच अद्भुत होते हैं, आप लोगों को इन्होंने बताया। आपको याद है मैं एक एक छोटी सी बात से अपनी बात शुरू करता हूं और आप लोगों तक बात पहुंच जाएगी। पिछले दिनों मैंने मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? दोस्तों बात समझ में आ जाए तो एक एक व्यक्ति का, जो कवि सम्मेलन में आप लोगों ने अब तक तालियां नहीं बजाई, कई लोग मोबाइल से मेरा फोटो खींचने लग गए, देखिए मेरा तो डिजिटल कैमरे से भी नेगेटिव आता है। जैसे ही मैं अंदर आया बहुत सारे लोग मेरे साथ सेल्फी लेने लगे, मेरे साथ हर कोई सेल्फी लेना चाहता भी है, दरअसल उनकी अच्छी आती है। नहीं नहीं सच सच बता रहा हूं, और ये तो साइकिल एसोसिएशन वालों का प्रोग्राम है। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रोग्राम के बाद हमें पेमेंट के बदले आप एक एक साइकिल ही दे देंगे, इससे हमारा पेट और वेट दोनों ही कम होगा। नहीं नहीं ऐसी परंपरा भी है। परसों राजेश जी और मैं एक कार्यक्रम में थे टाइटन वालों के, कार्यक्रम खत्म हुआ उन्होंने सबको एक एक घड़ी दी। कल हम एक खादी वालों के प्रोग्राम में थे, सबको एक एक कुर्ता दिया, मैं वही पहन के आया हूँ। आज आप लोग के यहाँ पे आए हैं तो साइकिल तो एक हम लोगों को मिलनी चाहिए। और आपके यहाँ तो प्रधान थे, कितने सारे प्रधानों का यहाँ पे आपने स्वागत किया। अच्छा बाबू जी प्रधानों की ना बड़ी समस्या हो जाती है, जो बड़े लोग होते हैं उन्हें औहदा बांटना होता है। अब इनके यहाँ पे ट्रेड एसोसिएशन है, कोई प्रधान है, कोई कोषाध्यक्ष होगा, कोई कुछ और होगा, कोई कुछ और होगा। तो ऐसे ही एक पहुंच गए इन साइकिल एसोसिएशन वालों के पास, बोले जी आपके यहाँ पे तो सब कुछ ना कुछ बन गए, आप हमें भी कुछ बना दो। तो बोले अच्छा तुम्हें भी कुछ बना दूं, चलो तुम ठीक है, कल से तुम साइकिल के टायर एसोसिएशन के तुम कल से तुम ट्रेजरार हो। बोले अच्छा जी ठीक है, चला गया। अगले दिन फिर आ गया दूसरा, बोले जी हमें कुछ बना दो।
बोले अच्छा कल से तुम साइकिल के टायर के एसोसिएशन के ट्रेजरर हो। अगले दिन वो दोनों ही आ गए। बोले जी भाऊजी ये क्या किया आपने, दोनों को ही एक पद दे दिया, इसको भी साइकिल के टायर का दे दिया, इसको भी मेरे को भी दे दिया साइकिल टायर का। तो उन्होंने उपाय निकाला, बोले देखो अगले वाले टायर का ये है, पिछले वाले का तुम हो। तो आदमी जो है रास्ता निकाल ही लेता है, और रास्ता तो ऐसे निकलता रहता है। देखिए हास्य व्यंग हर जगह फैला है। तो मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। तो आप पाक साहब छवि के एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आया देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा। तो आदमी का तो मामला ऐसा ही होता है। आप लोगों ने बार बार सुना होगा 56 इंच का सीना। मैं एक मुक्तक सुनाता हूँ, बहुत दिनों बाद अचानक से याद आ गया, जी जी आप लोगों तक पहुंचने का प्रयास करता हूँ। स्वागत। आप लोगों ने सुना होगा 56 इंच का सीना, जो यहाँ पर भाजपा ही बैठे हो थोड़ी देर के लिए कांग्रेसी हो जाना, बाद में फिर जब मैं दूसरा मुक्तक सुनाऊंगा तो सारे फिर भाजपा ही हो जाना। ऐसे ऐसे होकर के सुनना, एक एक उसमें सुनोगे तो थोड़ा कम मजा आए। आप लोगों ने सुना होगा 56 इंच का सीना, अब इसका आनंद लीजिएगा कि चेहरे पे एक रुआब नया चढ़ ही जाता है, इतिहास में मुकाम नया गढ़ ही जाता है, शादी के बाद भी अगर साथ ना रहे सीने का नाप इंच इंच बढ़ ही जाता है, सीने का नाप इंच इंच बढ़ ही जाता है। चार लाइनें और सुनिएगा। आप लोगों ने जितनी तालियां बजा दी मुझे तो उतनी की उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने बहुत बजा दी। नहीं नहीं ऐसी होता है, धीरे धीरे आप लोग खुलेंगे, अभी खा पी करके बैठे हैं, फिर खाना खाए, कार्यक्रम मूलता है तो खाने का है, उसके बाद ही ये बीच में आपने कवि सम्मेलन फंसा लिया है कि भाई ब्रेकफास्ट के बीच में और डिनर के बीच में थोड़ा पच जाए, और कोई कुछ नहीं है, हम लोग खुद उस चक्कर में आए हैं। लेकिन आप चार लाइन सुनिएगा। पिछले दिनों ट्रंप आए थे भारत, वो आए थे ना नमस्ते ट्रंप करने, बाद में अमरीका ने उनसे नमस्ते कर ली, तो लोगों ने ट्रंप को तरह तरह की सलाह दी। एक सलाह मैंने दी, आप तक सलाह पहुंच जाए तो आप सभी का आशीर्वाद चाहिए। मैंने ट्रंप को क्या सलाह दी कि लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी ना कर दे, जनता तुम्हें यहाँ की भिखारी ना कर दे, उत्तर प्रदेश आना ट्रंप सोच समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी ना कर दे, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी ना कर दे। चार लाइनें और सुनिएगा, और आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत आनंद से सुन रहे हैं। चार लाइन ये सुनिएगा साहब, ट्रंप से भाऊजी आप देखिए राजनीति कविताएं कवि सम्मेलन कैसे व्यंग करता है। आदरणीय गोयल जी ये बात मैं देखिए आपको सबसे ज्यादा पहुंचेगी आप लोगों तक, क्योंकि आप लोग जुड़े हुए हैं इससे। वो बाइडेन से मोदी मिले तो बाइडेन को मोदी जी ने क्या कहा, वो देखा था ना आपने पिछले दिनों, वो पीछे से धप्पा किया था मोदी जी को, वो गए थे वहां पे तो बाइडेन मिले, उन्होंने क्या कहा कि भूली हुई बिसरी हुई कहानी बनाता, अरमान दिल के सारे पानी पानी बनाता, मिलकर के बाइडेन से मोदी ने ये कहा, भारत में होते तुम तो आडवाणी बनाता, भारत में होते उतना बुजुर्ग हमारे यहाँ उसी काम आता है, भारत में होते तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें मैं कल को हार जाओ तो कौन देगा, ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है, राहुल को लगी ठंड तो मोदी
मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, आधार से रजाई। चार लाइनें और सुनिएगा। लोग कहते हैं कि जी महंगाई बहुत हो गई है, आजकल संसद में डिबेट भी इसी बात पर चल रही है, महंगाई बहुत हो गई है, महंगाई बहुत हो गई है। मैं बिल्कुल भी, मैं देखो आपको एक अलग तरीका बता देता हूं कि किस्मत की लकीरों को खुद ही चूम लीजिए और साथ अपने पूरा ही हुजूम लीजिए। पेट्रोल और शराब की कीमत समान है, अब घूम लीजिए या आप झूम लीजिए, अब घूम लीजिए या आप झूम लीजिए। भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना। राहुल की तरह चाहे बीत जाए जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में। और चार लाइनें सुनिएगा, सब पार्टियों की बात की, दिल्ली की तो बात ही नहीं की। जो भी कहूंगा सच ही, नए साल की कसम, ताजा बना दामाद हूँ ससुराल की कसम, महंगाई का मारा हूँ रोटी दाल की कसम, मैं आम आदमी हूँ केजरीवाल की कसम, मैं आम आदमी हूँ केजरीवाल की कसम। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। देखिए मैं तो अद्भुत ही कवि हूं, क्लास में अध्यापक आए बोले कौन बेवकूफ पे खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो, मैंने कहा नहीं सर आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते हो। चीनी को जमा करके फिर से, बहुत सारी महिलाएं मैं देख रहा हूं मेकअप के हिसाब से थोड़ा थोड़ा हंस रही है, इसमें इनकी कोई गलती नहीं, ब्यूटी पार्लर वाली समझा के भेजती है। बहन जी ज्यादा मुंह फाड़ के हंसोगी तो चेहरे के पीओपी की कोई गारंटी नहीं है। चीनी को जमा करके फिर, ऐसे आप लोगों को पता है कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ और हमारी महिलाओं ने किया। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप करती है, हो जाता है कॉपी पेस्ट। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दू। मैं सच बता रहा हूँ, संस्कृत के अध्यापक आ गए बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा हूँ। चीनी को जमा करके फिर से, वो मोदी जी चले गए थे नासा, वैज्ञानिकों ने दो मिसाइलें दे दी, मोदी जी ने पूछा इसका मैं क्या करूंगा, वैज्ञानिक बोले सर आपको तो आदत है फेंक देना। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना तू। मैं सच बता रहा हूं, हिंदी के अध्यापक आ गए बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है। मैंने कहा जी असंभव अलंकार है। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दू। वो गणित के अध्यापक आ गए बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे। मैंने कहा जी वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते। मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते, आज तक एक का नहीं लौटाया। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना। वैसे आपको पता है गणित के अध्यापक बड़े अद्भुत होते हैं। उन्होंने अगला प्रश्न पूछ लिया बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। चीनी को जमा। पीछे बैठे हुए बुजुर्ग भी ताली बजाने लगे, कमाल है उन्हें भी एक्स की वैल्यू पता। बाबू जी को प्रणाम करता हूं, हो सकता है उन्हें तो डबल एक्स की भी पता। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना। गणित के अध्यापक फिर आ गए बोले दशमलव किसे कहते हैं। मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लव हो जाए तो उसे दशमलव कहते हैं। लगातार का मतलब लगातार, ये नहीं बीच में शादी कर लो। चीनी को जमा करके फिर से, दोस्त बोला यार मौका लगे तो शादी कर ले। मैंने कहा मौका ही लग जाए तो शादी करके क्या करूंगा। चीनी को जमा करके, मैंने तो बचपन में पिताजी से कह दिया था पिताजी लव मैरिज करूंगा। बोले बेटा लव मैरिज ही कर लियो, शक्ल दिखा के तो होगी नहीं। चीनी को जमा करके फिर, वैसे आप लोगों को लव मैरिज और अरेंज मैरिज में फर्क पता है ना। लव मैरिज में आदमी अपनी ही गर्लफ्रेंड से शादी करता है, अरेंज मैरिज में
ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। चीनी को जाओ तो सुविधा उपलब्ध से याद है, वो पिछले दिनों शुरू हो गया था हमारे देश में डिजिटल इंडिया। मैंने अखबार में विज्ञापन देखा, घर बैठे मिठाई मंगवाइए। मैंने कहा पिज्जा बर्गर तो खूब मंगाया, मिठाई कैसे मंगवाएंगे? तो मैंने अखबार में दिए हुए नंबर पर कॉल किया, उधर से कंप्यूटराइज रिकॉर्डेड आवाज आने लग गई। बोले जी नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं। मैंने कहा यार कमाल है, तो डिजिटल इंडिया कमाल का शुरू हो गया। बोले जी नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, मिठाई लेने के लिए एक दवाइए, चाट पापड़ी के लिए दो दवाइए, गजक नमकीन के लिए तीन दवाइए, गोलगप्पों के लिए चार दवाइए। मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने एक दवा दिया। बोले लड्डू लेने के लिए एक दवाइए, बर्फी लेने के लिए दो दवाइए, कलाकंद लेने के लिए तीन दवाइए, जलेबी लेने के लिए चार दवाइए। मुझे लड्डू चाहिए था, मैंने एक दवा दिया। बेसन के लड्डू लेने के लिए एक दवाइए, मोतीचूर के लड्डू लेने के लिए दो दवाइए, गोंद के लड्डू लेने के लिए तीन दवाइए, तिल के लड्डू लेने के लिए चार दवाइए। मुझे बेसन का चाहिए था, मैंने एक दवा दिया। 1 किलो लेने के लिए एक दवाइए, 2 किलो लेने के लिए दो दवाइए, 3 किलो लेने के लिए तीन दवाइए, 100 किलो लेने के लिए चार दवाइए। वो एक दवा ना था, गलती से चार दब गया। मैंने वही किया जो आप सब करते, तुरंत ही फोन काट दिया। 1 मिनट बाद ही कॉल बैक आ गई। बोले जी नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहां से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है? मैंने कह रहे तो फंस गए, लेकिन बिहारी आदमी फंसता नहीं है, फंसाता भी नहीं है, बीच का रास्ता निकालता है। बोले जी जल्दी बताइए, आपके यहां से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है? मैंने कह रही है फोन किसने किया मुझे तो पता ही, घर में हम 9 भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए एक दवाइए, उसे छोटे से बात करने के लिए दो दवाइए, उसे छोटे से बात करने के लिए तीन दवाइए, और जब तक असली वाला ना मिल जाए तब तक दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए। आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। तो कितना बढ़िया आप लोगों ने सुना। अंतिम एक छंद सुनाता हूं, क्योंकि समय की अपनी सीमाएं मर्यादाएं हैं, हमें आदरणीय हरिओम पवार जी तक की यात्रा करनी है, और राजेश चेतन जी जो आज की तारीख में देश के बड़े संचालक होते हैं, और उन्होंने इतना बढ़िया सुनाया आज, उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही कि पूरे देश दुनिया में कवि जाते हैं। बस आज का कवि सम्मेलन खत्म करते ही राजेश जी को दुबई जाना है, उनके दुबई यात्रा के लिए उन्हें शुभकामनाएं दीजिए, और कविताएं वहां पर भी सुनाएंगे, उन्हें सम्मानित किया जा रहा है बहुत बड़े अवार्ड से, वो नाम भी लेना नहीं आता मुझे, वो खुद बताएंगे आपको। लेकिन एक एक छंद सुनाता हूं आपको, जीवन में हास्य का क्या महत्व है। कि मित्र मिले हम चार, एक बोला सुनी यार, जोशी के बिना तो ये जवानी सुनी सुनी है, दूजा बोला जोशी से ही काम चलता नहीं है, हौसला जो ना हो तो रवानी सुनी सुनी है, तीजा बोला मैं तो बस एक बात मानता हूँ, प्यार के बिना सभी कहानी सुनी सुनी है। मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है, पर हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सुनी सुनी है। मैंने कहा प्यार जोश हौसला, आभार, धन्यवाद, जय हिंद।